आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए सूजी और बेसन के बहुत ही टेस्टी ढोकला की रेसिपी। ये बहुत ही फटाफट से बन कर के तैयार हो जाते हैं, साथ में खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले वेलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपीज़। तो यहाँ पे ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में आधा कप सूजी लेंगे, इसमें डालेंगे एक कप बेसन और दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो सूजी बहुत फाइन वाली नहीं थी, इसीलिए मैंने दोनों को इकट्ठा डाल करके ग्राइंड किया है ताकि सूजी अच्छे से ग्राइंड हो जाए और दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे सूजी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसमें डालेंगे एक कप दही और दही हल्का खट्टा चल जाएगा इसमें, और इसी के साथ में आधा कप पानी डाल देंगे। और इसी के साथ में दो हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, साथ में आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। साथ में डालूंगी 1/4 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालना है यहाँ पे आपको। और इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच चीनी। अब सारी चीज़ों को पहले एक बार स्पून से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे फिर से 3 से 4 बार पल्स मोड में ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, इसका एक स्मूथ सा बैटर बनकर के तैयार हो जाएगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और बस अभी इसे ढक करके 20 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। और 20 मिनट बाद यहाँ पे सूजी और जो बेसन है ना बहुत अच्छे से फूल गए हैं, और इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इसमें अब डालेंगे 2 चम्मच तेल, तो कोई भी खुशबू वाला तेल मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल डाला और तेल को भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। तो तेल डालने से क्या होता है ना, ढोकला जो है ना वो गले में लगेगा नहीं और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने बैटर को मिक्स कर लिया है, और इसमें अब डालेंगे 3/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे अगर आप इनो डालें तो 1 सैशे इनो का डाल सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना, और सोडे को अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्लफी सा हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद बस अब इसे डालेंगे ढोकले वाली प्लेट में। तो मैंने ढोकले वाली प्लेट को पहले से ही ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अब इस बैटर को डालते हैं प्लेट में। तो मैं आधा बैटर एक प्लेट में डालूंगी, आधा बैटर मैं दूसरी प्लेट में डालूंगी, क्योंकि मैं ढोकले थोड़े से पतले बना करके तैयार करूंगी। अगर आप मोटे ढोकले बनाना चाहते हैं ना तो आप एक ही प्लेट में पूरा ये ढोकले का बैटर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल किया इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और इसी तरीके से जो बचा हुआ बैटर है ना उसे अब दूसरी प्लेट में डाल लेंगे। और मैंने प्लेट को अच्छे से ग्रीस किया हुआ है, और इसमें भी थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, और बस अब इसे रखेंगे स्टीम होने के लिए। तो मैंने पानी को पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था स्टीमर में, और इसमें ढोकले की प्लेट रख देंगे और ढोकले के बैटर को 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम में स्टीम होने देंगे। तो जब तक ढोकले स्टीम हो रहे हैं बना लेते हैं ग्रीन चटनी ढोकले के साथ में खाने के लिए। आधा कप यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया, 3 से 4 हरी मिर्च डाली, साथ में 2 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच से थोड़ा सा कम अदरक के टुकड़े ले रही हूँ। इसी के साथ में इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच बूंदी, साथ में 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। इसी के साथ में आधा छोटी चम्मच डालेंगे चाट मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक डालेंगे, और जितनी ज़रूरत होगी ना उतना पानी डाल लेंगे ताकि चटनी अच्छे से पिस जाए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। तो यहाँ पे ढोकले के साथ में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी सी ग्रीन चटनी बन करके तैयार हो गई है, और ये ढोकले के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे साइड में रखते हैं और ढोकले को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ढोकले को पकते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो रहे हैं, और ढोकले बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं, बिल्कुल भी स्पून में लग नहीं रहे थे। तो हल्का सा मैंने इन्हें निकाल करके ठंडा कर लिया है, और बस अब ढोकले को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े पतले ढोकले बना करके तैयार किए हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से स्क्वायर के शेप में इसे कट कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ढोकले प्लेट में से निकल रहे हैं जब मैं नाइफ में से इसे कट कर रही हूँ।
और मैं आपको एक ढोकला निकाल करके भी इस तरीके से दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ढोकला कितना स्पंजी बना है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो बस इसी तरीके से सारे ढोकले जो है ना वो प्लेट में से निकाल लेंगे और ढोकलों में अब लगाएंगे एक बढ़िया सा तड़का। तो यहाँ पे तड़का लगाने के लिए पैन में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल के। तेल को गर्म होने देंगे और तेल के गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच राई। राई को हल्का सा तड़कने देंगे और साथ में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे स्लिट करके 3 से 4 हरी मिर्च डाली है, बहुत तीखी नहीं है। साथ में इसमें कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे ढोकला। तो दोनों प्लेट के ढोकला मैं इसमें डाल दूंगी और बस अच्छे से तड़के के साथ में ढोकला को मिक्स करेंगे और लगभग 1 मिनट तक इसे इसी तरीके से मिक्स करते हुए मीडियम हाई फ्लेम में चला लेंगे। इससे क्या होता है ना, ढोकले और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं इस तरीके से पैन में हमेशा ढोकलों में तड़का लगाती हूँ जब भी मैं सूजी और बेसन के ढोकले बनाती हूँ, और इससे ढोकले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मैंने इसीलिए थोड़ी सी चीनी पहले ही डाल दी थी और इसमें मैं पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इन्हें आप इसी तरीके से गर्मा गर्म ग्रीन चटनी के साथ में सर्व करिए। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप अमेजिंग किचन रेसिपीज़ को कर लें सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।